हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेमोरी एलोकेशन के बारे में, तो आज देखने वाले हैं हम मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन फंक्शन के बारे में। तो उसमें पहला आता है मैलोक फंक्शन। हियर एम स्टैंड फॉर मेमोरी एंड एलोकेशन स्टैंड फॉर एलोकेशन। ओके, तो उसकी पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। उसकी जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है एंड पॉइंटर मैलोक एंड साइज ऑफ एलिमेंट। उसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है इंटीजर पीटीआर। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इस पीटीआर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इक्वल टू कर सकते हैं, और अगर नीचे नहीं लगना आपको तो डायरेक्टली इधर भी आप यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से। मैं साइज ऑफ फंक्शन का यूज करते हुए इधर आपको डालना है जो भी आपका वेरिएबल है उसकी साइज आपको बाइट में रिटर्न करेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये तो इसका एग्जांपल है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं इसका आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो पहले तो ये जो मैलोक फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। ठीक है, इसलिए हमें इसका कास्टिंग करना पड़ रहा है कुछ इस तरह से। पीटीआर इक्वल टू इंटीजर पॉइंटर एंड मैलोक एंड साइज ऑफ, इधर इनर ब्रैकेट में क्या आएगा, इधर पीटीआर जो हमने पॉइंटर क्रिएट किया है उसकी डेटा टाइप कौन सी है, इंटीजर, तो इधर आएगा इंटीजर। और हमने टाइप कास्टिंग क्यों किया, क्योंकि ये जो मैलोक फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और हमें चाहिए एड्रेस। ठीक है, मैलोक फंक्शन क्या करेगा, नंबर्स ऑफ बाइट जो है वो रिटर्न करेगा, लेकिन हमारा जो पॉइंटर है वो क्या, इंटीजर टाइप का है, इसलिए मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया टाइप कास्टिंग करते हुए। ठीक है, इस तरह से आप मैलोक फंक्शन का यूज कर सकते हो। अब दूसरा देख लेते हैं, कैलोक। इधर जो सी है ना वो किस लिए यूज होता है, इसका मतलब है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ये एलोक जो है वो एलोकेशन के लिए। ठीक है, तो इसकी भी सिंटैक्स देख लेते हैं। कैलोक एंड नंबर्स ऑफ ब्लॉक कॉमा साइज ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैलोक, सपोज आपको कंटिन्यूअसली फाइव ब्लॉक चाहिए, तो आपको जो पहले आर्गुमेंट है ना इधर नंबर्स ऑफ ब्लॉक, फाइव ब्लॉक चाहिए, तो आपको क्या करना है, इनर ब्रैकेट में फाइव करके कोमा करना है, उसके बाद साइज ऑफ एलिमेंट, यानी कि साइज फाइंड करने के लिए क्या है, साइज ऑफ फंक्शन का यूज होता है, तो उसके लिए क्या है, साइज ऑफ फंक्शन अवेलेबल है, साइज ऑफ, उसके अंदर क्या डालना है, अगर आपने इंटीजर का पॉइंटर क्रिएट किया तो उसमें आपको इंटीजर डालना है कुछ इस तरह। ठीक है, और सेमी कॉलन। तो ये हो गया कैलोक का यूज। अब कैलोक जो है वो भी मैलोक की तरह ही वर्क करता है, दोनों का वर्क सेम है, लेकिन आप कैलोक का यूज करते हुए कंटिन्यूअस नंबर्स ऑफ ब्लॉक जो है वो डिसाइड कर सकते हो। ये भी मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है। अब तीसरा फंक्शन देख लेते हैं, रीएलोक। है इसका क्या मतलब है, रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी, यानी कि अगर आपने एक बार डिसाइड कर दिया कोई भी पॉइंटर है इसका साइज भी आपने डिसाइड कर दिया, ठीक है कुछ इस तरह से, तो आपको उसमें मॉडिफाइड करना है,
आपको अपनी जो न्यू साइज है पॉइंटर की उसे बढ़ाना है या फिर कम करना है तो आप रीएलोकेशन फंक्शन का यूज कर सकते हो। कुछ इस तरह से सिंटैक्स देख लेते हैं पहले उसकी। रीएलोक देन ब्रैकेट टाइप देन ओल्ड पॉइंटर कॉमा न्यू साइज। आपने जो पॉइंटर क्रिएट किया है उसकी जो साइज है उसमें आपको न्यू साइज देनी है, ठीक है, क्योंकि ओल्ड साइज है वो अगर आपको कम लगती हो आपको इंक्रीज करनी है साइज तो आपको वहां न्यू साइज देनी है। फॉर एग्जांपल रीएलोक ब्रैकेट स्टार्ट अपने पॉइंटर का नाम समझो पीटीआर है उसकी साइज 5 है लेकिन मुझे 7 करनी है तो कॉमा करके आप 7 इज डाल सकते हैं। तो ये जनरल सिंटैक्स और एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या करेगा आपने जो प्रीवियसली एलोकेट की है मेमोरी वो आपको इनसफिशिएंट यानी कम पड़ रही है तो आपको ज्यादा मेमोरी की जरूरत है तो आप रीएलोकेशन फंक्शन का यूज करते हुए वो कर सकते हो। अब देख लेते हैं एक मेमोरी डीएलोकेशन फंक्शन के बारे में। तो ये तीन क्या है 1 2 मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन है। अब लास्ट वन है वो मैं आपको मेमोरी डीएलोकेशन फंक्शन के बारे में बता रहा हूं उसका नाम है 3 यानी मेमोरी को डीएलोकेट कर देगा, ठीक है। तो उसकी जो सिंटैक्स है कुछ इस तरह से है, आपको लिखना है फ्री और अपना जो पॉइंटर है उसे इनर ब्रैकेट में डाल देना है, ठीक है। पॉइंटर फॉर एग्जांपल ये जो है इधर वो सेम ही एग्जांपल में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो जो आपके पॉइंटर ने मेमोरी एलोकेट की है उसे क्या करते हो उसे फ्री कर सकते हो यानी कि डी एलोकेट कर सकते हो। तो टोटली 4 फंक्शन है मेमोरी एलोकेशन के और डी एलोकेशन के। एलोकेशन के लिए मैलोक कैलोक एंड री एलोकेट मीन्स री एलोक और मेमोरी डी एलोकेशन के लिए फ्री फंक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट के टाइप कितने हैं और लिंक लिस्ट के बारे में थोड़ा हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।